ये OGS बॉक्स हमारा, ओके। जब आपको बॉक्स मिलेगा तो आपको इस टाइप से मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के कवर को निकालना है। यहाँ पे दो स्क्रूज होंगे जिनको आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। इसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो चीज़ कनेक्ट करना है वो है बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आप चौथे पिन पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे पिन पे। सो यू नीड टू कनेक्ट फोर्थ टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप आठवें पिन पे कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप बैटरी की सप्लाई देंगे तो आपका स्टेटस एलईडी ग्लो होने लगेगा और सोलर एलईडी, ये आपस में इस टाइप से कुछ ग्लो होंगे। 50 सेकंड तक ये ग्लो होंगे ऐसे। जब ये ग्लो हो रहा है उस टाइम आप सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर कनेक्ट करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल आपको फर्स्ट पिन पे सोलर का, और सोलर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आप फिफ्थ पिन पे कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव है ब्लैक जो है वो नेगेटिव। और 50 सेकंड्स के बाद आपको बजर सुनाई देगा, अभी बजर आया है। लोड कनेक्ट भी कर लो। उसके बाद आपको लोड कनेक्ट करना है, नॉर्मल लोड का पॉजिटिव, नॉर्मल लोड का नेगेटिव। पॉजिटिव जो होगा नॉर्मल लोड का वो पिन नंबर 11 पे कनेक्ट होगा। और नेगेटिव टर्मिनल नॉर्मल लोड का पिन नंबर 9 पे। इसी तरह से इमरजेंसी का आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो पिन नंबर 12 पे, और नेगेटिव टर्मिनल पिन नंबर 10 पे। एक बार कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप एलईडी देखिए स्टेटस ब्लिंक हो रही कि नहीं, और फिर आप सोलर का कनेक्शन लीजिए। सोलर का आपको कनेक्शन MC4 कनेक्शन होगा, वहाँ से लेना होगा। सोलर एलईडी आ जाएगी आपकी। अब आप ये MCB ऑन कीजिए। MCB जैसे ही ऑन करेंगे तो आपकी लोड एलईडी इस तरह का कुछ आएगा, टोटल सोलर बैटरी लोड स्टेटस, ओके। स्टेटस आपकी ब्लिंक होगी, देन आप लाइट देंगे। लाइट देने पे इमरजेंसी सबसे पहले आएगा, फिर आप सिस्टम को ऑन करेंगे। सिस्टम को ऑन करने पे ये होगा कि ये पूरा बंद होगा, फिर एक बार आएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ आएगा आपका। बैटरी है, बैटरी के बारे में, एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है। सो ऑल द फोर बैटरी, चारों बैटरी जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, दिस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कनेक्ट है। और यहाँ पे आपको दो टर्मिनल मिलता है। इस टर्मिनल पे अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 48 प्लस आएगा, 48 से ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, 50, 51, 49 इस टाइप से आपको वोल्टेज आएगा। अब ये दोनों टर्मिनल को हम डायरेक्टली अपने OGS बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव अगर शॉर्ट हुआ तो इनफाइनाइट करंट होगी और फायर होने के चांसेस है, ठीक है। दूसरा चीज, आप या तो चाहें तो आप दोनों को एक साथ इसको कनेक्ट करके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कनेक्शन लूज कर दीजिए। यहाँ से एक कनेक्शन को लूज करके पहले आप OGS बॉक्स में कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर उसके बाद फाइनल कनेक्शन में आप एक वायर को कनेक्ट कीजिए।